नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इलाकों में विविध पहलों को लागू किया जा रहा है। मनपा प्रशासन द्वारा खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। शहर में भोसलेकालीन जल संसाधनों का संरक्षण पर्यावरण के एक अंग के रूप में किया जाना चाहिए। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि शहर के सभी पुराने भोसलेकालीन कुओं की सफाई की जाएगी और स्थानीय लोगों को जल संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ पीने का मुफ्त पानी उपलब्ध कराने के लिए उन पर आरओ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। वार्ड 21 में लालगंज स्थित 425 साल पुराने कुएं पर बन रहे आरओ प्लांट का महापौर दयाशंकर तिवारी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर वे भाषण दे रहे थे। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी के साथ साथ स्वास्थ्य समिति सभापति महेश संजय महाजन, सुरेंद्र डोलस, प्रशांत सोनारघरे, निशा भुयर, सुरेख पौनीकर, सुरेश पौनीकर, गणेश पौनीकर, गुड्डू पांडे, हर्षल वाडेकर, किशोर ठाकरे, उषा बेले आदि उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि शहर के पुराने जल स्रोतों को जीवित रखने की आवश्यकता है। यह जल स्रोत नई पीढ़ी को पुरानी व्यवस्था को समझने में मददगार साबित होगी। शहर में शीतलहर के मद्देनजर सड़क पर रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों में राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस नागपुर शहर की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में कंबल का वितरण किया गया। इंसानियत के तौर पर सीताबर्डी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनिस ने भी कंबल देकर इस नेक कार्य में योगदान दिया। इस योगदान के लिए राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस ने सबनिस का आभार माना। इस कंबल वितरण कार्यक्रम में नागपुर शहर युवती कांग्रेस की अध्यक्षा पूनम रेवतकर के साथ साथ मध्य नागपुर युवती कांग्रेस की अध्यक्षा बबीता मांडवकर, धनश्री बावने, कविता नेताम, पूजा रेवतकर, धनश्री मेश्राम, बरखा मांडवकर, विधि सोनोले, निकिता भोयर व राष्ट्रवादी नागपुर शहर की मुख्य प्रवक्ता नूतन रेवतकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। आगामी मनपा चुनाव सामने आते ही सभी पार्टी के उम्मीदवार इसकी तैयारी में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी भारत में आने वाले हर चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन का उम्मीद कर रही है। अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली पूरे भारत में प्रचारित हो रही है। हर राज्य के विपक्ष पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी केजरीवाल सरकार की नकल करते हुए सब कुछ मुफ्त में देने के वादे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विदर्भ के संगठन मंत्री आकाश सफेलकर का कहना है कि पार्टी संगठन बहुत ही मजबूत है। विदर्भ के आगामी चुनाव पर आप पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और संगठन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। चुनाव का बिगुल बजते ही सभी उम्मीदवारों द्वारा डोर टू डोर प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है, जिसके तहत दिल्ली जैसे ईमानदार सरकार के कार्यों से जनता को अवगत कराकर नागपुर में भी ऐसे कार्य किए जा सकते हैं। इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है, यदि नेतृत्व ईमानदार नेता करे तो जनता के सभी काम किए जा सकते हैं। आकाश सफेलकर ने बताया कि नागपुर के हर प्रभाग में सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को मजबूत बनाने की ओर वे अग्रसर है। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल NDS ने शहर में 5 जून 2020 से 7 फरवरी 2022 तक नागरिकों के मास्क न पहनने के 44,611 मामलों में कार्रवाई की और यदि प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के मामलों को भी मद्देनजर रखा जाए तो कुल मिलाकर नागपुर महानगर पालिका प्रशासन को 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। कोरोना पॉजिटिव मामलों और मौतों में वृद्धि के मद्देनजर NDS दस्तों ने मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अभियान शुरू किया था, लेकिन फिर भी कई नागरिक एवं प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए थे। इसलिए हाल ही में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने NDS दस्तों को अभियान तेज करने और प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करने वाले नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। तदनुसार 14 सितंबर 2020 से मास्क न पहनने वाले प्रत्येक व्यक्ति से जुर्माने की राशि जो पहले 200 रुपये हुआ करती थी वह बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई। मनपा के आंकड़ों के अनुसार लक्ष्मीनगर जोन में सर्वाधिक 6,162 मामले दर्ज किए। इसके बाद धंतुली जोन में 5,937 मामले पाए गए। इस बीच सोमवार को NDS दस्तों ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए 7 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की। विदर्भ के 13 लाख व्यापारियों की अग्रणी व शीर्ष संस्था नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड व विदर्भ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत बजट परिप्रेक्ष्य 2022-23 पर आयोजित बजट विश्लेषण कार्यक्रम फेसबुक लाइव द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरतिया, NCCL के अध्यक्ष CA कैलाश जोगानी, रेसिडेंशियल इंडस्ट्री एसोसिएशन व विदर्भ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन के सचिव तेजिंदर सिंह रेणु व चेंबर के कार्यकारिणी सदस्य व अप्रत्यक्ष कर समिति के संयोजक CA रितेश मेहता
वसीय प्रतीक गुप्ता ने यूनियन बजट 2022-23 के मुख्य बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी। चेंबर के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़िया ने अपने प्रस्तावित संबोधन में कहा कि चेंबर हमेशा व्यापारी हितों के लिए कार्य करता है। इसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित बजट की विस्तृत जानकारी व्यापारियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चेंबर ने उपरोक्त संस्थाओं के साथ मिलकर संयुक्त रूप से यह कदम उठाया है। चेंबर के पूर्व अध्यक्ष व कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि बजट को समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि सरकार बजट के जरिए देश को किस ओर लेकर जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा स्वच्छ भारत अभियान दक्षिण पश्चिम मंडल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से अभियान कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें मैदान में साफ सफाई कर वृक्षारोपण किया गया। साथ ही सूर्य नमस्कार के बारे में जन जागृति करके सूर्य नमस्कार की विधि को रंगरोगन कर दर्शाया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दक्षिण पश्चिम अध्यक्ष किशोर वानखेड़े और आशीष पाठक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में स्वच्छता के लिए सहयोग एजी एनवायरो के शशांक चौबे ने किया। स्वच्छ भारत अभियान के दक्षिण पश्चिम मंडल के अध्यक्ष संदीप मानकर, महामंत्री दिनेश करमचंदानी, महामंत्री अनुराग नेवारे, नीलेश राउत, पंकज त्रिवेदी, शिवकुमार शाहू, संकेत तैवड़े, राजेश संवदिया, साहिल मेश्राम, अमर हुसैन, अमन कानोजे, अनुराग बिसेन, राहुल ठाकुर, किरण बावने, रंजीता बावने, अभिषेक धरनेगलधर, संजय थोरी, विक्रम रेड्डी, प्रवीण पुराणिक, राजा ठकनेक, स्वप्निल येरपुड़े, मनोज जोशी, श्रीकांत रेखाड़े, शंकर भोसले, प्रशांत शाक्य, विनोद देशपांडे आदि उपस्थित थे। महमूदा शिक्षण व महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था नागपुर के अंतर्गत सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लोनारा में भारत की कोकिला स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर को पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनिस अहमद, सेंट्रल इंडिया लॉ कॉलेज के निदेशक डॉक्टर एस एम राजन, DDUJKY डायरेक्टर तुषार मेश्राम, ओम प्रकाश शाहू तथा अन्य मान्यवरों ने श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर अनिस अहमद ने शोक सभा को संबोधित करते हुए बताया, लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने 60 साल से अधिक अवधि के गायन करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाकर अपना और अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया था। भारत में अपने गीतों के द्वारा सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल कर स्वर कोकिला नाम से वे सदैव अमर रहेंगी। छात्रों को उनसे प्रेरणा लेकर देश के विकास में योगदान देने के लिए मान्यवरों ने प्रोत्साहित किया। डॉक्टर रवि कलसाइत ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि लता मंगेशकर भारतीय संगीत में एक अनुपम व अनुकरणीय व्यक्तित्व है जिनके योगदान को अमरता प्राप्त हो चुकी है। विश्व का संगीत जगत सदा स्वर कोकिला लता मंगेशकर का ऋणी रहेगा। मान्यवरों ने छात्रों को उनकी समर्पण की भावना को आत्मसात करने के लिए कहा। रथ सप्तमी के अवसर पर अमृत डायनेमिक योग मेडिटेशन एंड रेकी स्टूडियो के योग साधकों ने 144 सूर्य नमस्कार किए। 144 सूर्य नमस्कार करने वाले साधकों में पुष्पेंद्र सिंह, पूनम सिरोही, मुस्कान गुप्ता, अफरीन शेख, सक्षम दहिया, पूनम कुमारी, अपर्णा सावरकर, उत्कर्ष मेश्राम, एडवोकेट विजयश्री वाघेला, प्रथमेश बोदड़, विद्या अमरनाथ, पूजा चोईथानी, स्नेहल नागदीवे आदि का समावेश रहा। योग गुरु व्यास मुनि प्रजापति ने साधकों को सूर्य नमस्कार करवाया। गौरतलब है कि रथ सप्तमी के अवसर पर योग केंद्रों में 144 सूर्य नमस्कार करने की परंपरा है। इसी परंपरा का निर्वाह अमृत डायनेमिक योग मेडिटेशन एंड रेकी स्टूडियो में भी किया गया। पश्चिम नागपुर के चिंतामणि नगर भीवसेनखोरी बस्ती के नागरिक वर्षों से इसके विकसित होने के इंतजार में थे। युवा नेता मोइज खान के प्रयासों से आखिरकार क्षेत्र के विधायक विकास ठाकरे ने अपनी निधि से सड़कों का सीमेंटीकरण किया, नालियां बनवाई गई तथा ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाकर चेंबर्स का निर्माण कराया गया। अब क्षेत्र की जनता इस तरह की मूलभूत सुविधाएं पाकर संतुष्ट है। प्रभागवासियों ने विधायक विकास ठाकरे को धन्यवाद देते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि जिस तरह क्षेत्र का विकास किया गया उसी तरह सिटी बस की फेरियां चिंतामणि नगर भीवसेनखोरी में शुरू की जाए, जिससे व्यापारी, छात्रों और मजदूरों के लिए आवाजाही सुविधाजनक हो सके। इस अवसर पर मोइज खान के नेतृत्व में महेंद्र कुमार, विश्वास मेश्राम, सिद्धार्थ मेश्राम, बालकृष्ण जांबुलकर, कमल राणा सहित स्थानीय नागरिकगण उपस्थित थे। आज 15 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का कोविशील्ड का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टीकाकरण का समय शाम के 5 बजे तक होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजीकरण किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविशील्ड के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी।
इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल कामठी रोड व स्वर्गीय प्रभाकर दत्त के मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबाड़ा इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर मनपा स्त्री अस्पताल पाचपावली और प्रगति हॉल दिगोरी में उपलब्ध है। सावनेर स्थित अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने भारत रत्न लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लता दीदी के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। स्कूली विद्यार्थियों ने दो दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा होते ही लता मंगेशकर को ऑनलाइन श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ ने लता दीदी के चित्र बनाए तो कुछ ने उनके गीतों को गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कुछ विद्यार्थियों ने पीपीटी प्रस्तुति के जरिए उनके जीवन और संगीत के क्षेत्र में कार्यों पर प्रकाश डाला। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्रा ने लता दीदी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि लता जी के निधन के साथ संगीत के स्वर्णिम युग का भी अंत हो गया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के एक संगीत प्रेमी परिवार में उनका जन्म हुआ था। जब उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का निधन हुआ था तब मात्र 13 वर्ष की आयु में पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए वे संगीत जगत में निरंतर आगे बढ़ती चली गई और अपने लंबे करियर में 30,000 से ज्यादा अधिक गीत गाए। सावनेर स्थित अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में पूरे हर्षोल्लास से वसंत पंचमी पर्व मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करते हुए हुआ। कार्यक्रम का संचालन निवोदिता कोचे ने किया। पूजन कार्यक्रम में कक्षा 5वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वसंत पंचमी का महत्व समझाते हुए कोचे ने पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। सभी विद्यार्थियों ने निराला रचित वरदे वीणा का सामूहिक गान भी किया। कुछ विद्यार्थियों ने माता सरस्वती एवं सूर्यकांत निराला के चित्र भी बनाए। स्कूली विद्यार्थियों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कुछ विद्यार्थियों ने श्लोक भी पढ़े। सभी विद्यार्थियों ने पीले पुष्प सरस्वती माता को चढ़ाए। स्कूल के प्राचार्य ने माता सरस्वती की पूजा क्यों और कैसे करनी चाहिए इस संदर्भ में जानकारी दी। अरविंद बाबू देशमुख प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख ने कार्यक्रम में सहभागी सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। उन्होंने सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के सफलतार्थ वंदना यादव, वंदना बारापात्रे, रंजना ठाकुर, प्रणव वंजारी, अरविंद बरुलेवार ने अथक प्रयास किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर में स्त्री भूषण रमाई आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उन्हें आदरांजलि अर्पित की गई। विलासगंज घाटे की अध्यक्षता में तथा भदंत नाग दीपंकर स्थविर के प्रमुख नेतृत्व में भदंत एन सुगत बोधि प्राचार्य भूमिश्वरी मेहरे ने श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया और रमाई आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रतिभा मड़ामे, मीनाक्षी ढोके, सुषमा शिंदे, नंदा लिंगायत, शरद प्रमोद खांडेकर, रमेश धवले, सतीश रामटेके, सिद्धार्थ महेश्वर, मिलिंद थूल, रविन्द्र वैरागड़े आदि उपस्थित थे। शरद मेश्राम ने सभी मान्यवरों का आभार माना। कांग्रेस नगर स्थित न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक लखन येरवार के नेतृत्व में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार महासंकल्प अभियान के अंतर्गत सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस महासंकल्प अभियान में मार्गदर्शन योग गुरु माथुरकर सर और उनके सहयोगी ने जनता को योग संदेश देने का कार्य किया। वहाँ उपस्थित प्रभाग के ज्येष्ठ नागरिकगण बच्चों ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस अभियान को सफल बनाया। लखन येरवार, ऋषिकेश चक्रदेव, मुन्ना बोरीकर, रामू राउत व प्रभाग के सभी पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। आगामी नागपुर महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए इच्छुक उम्मीदवारों का परिचय सम्मेलन किया गया। सभी प्रभागों से अनेक उम्मीदवारों ने अपना दावा ठोका। अनेक प्रभागों में उम्मीदवारों का तांता लगा रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुनेश्वर पेठे ने की। इस अवसर पर पेठे ने कहा कि पार्टी ने खुद के बल पर महानगर पालिका चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। पूर्व विधायक प्रकाश गजबिये ने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक जनसंपर्क करने की सलाह दी। इस अवसर पर आभा पांडे, अनिल अहिरकर, ईश्वर बालबुथे, वर्षा श्यामकुले, लक्ष्मी सावरकर, शैलेंद्र तिवारी, रवि पराते, रमन ठौकर, रिजवान अंसारी, शैलेश पांडे, सुखदेव वंजारी, राजेश पाटिल, विशाल खांडेकर, अनेक नेता व उम्मीदवार गण उपस्थित थे। सम्मेलन का संचालन नागपुर प्रवक्ता संतोष सिंह ने किया। श्रीकांत गोगरे ने मान्यवरों का आभार माना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं, प्रांतों और विचारधाराओं के साथ भारत की अखंडता और एकता को स्वर्गीय लता मंगेशकर ने अपने अलौकिक आवाज के माध्यम से बनाए रखने का कार्य किया।
इन शब्दों में नागपुर जिले के पालक मंत्री तथा राज्य ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। वे विद्या शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा लता मंगेशकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाषण दे रहे थे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रणजीत देशमुख, दत्ता मेघे, अभिमत विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के डीन पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख, काजल मित्रा, डॉक्टर उषा रड़के आदि मौजूद थे। इस अवसर पर लता दीदी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। 32 साल पहले लता दीदी के प्रति उनके प्रेम के कारण उनकी सहमति से इस कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया था। इसी कारण भावपूर्ण वातावरण में हॉस्पिटल के मातोश्री हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। डॉक्टर राउत ने कहा कि लता मंगेशकर के निधन से न केवल मराठी भाषी लोग बल्कि भारत और दक्षिण एशिया के सभी लोग भी शोक में हैं। अचानक आई प्राकृतिक आपदा में किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए हर किसान को सरकार की पशुधन बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। मवेशी, बकरी, भेड़ से लेकर मुर्गियों तक का बीमा किया जा सकता है। आसानी से उपलब्ध होने वाली इस योजना की जानकारी विभाग के प्रत्येक किसान को होनी चाहिए। ये विचार व्यक्त करते हुए राज्य के पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय विकास, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को इस बारे में प्रचार अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने सोमवार को नागपुर में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक बुलाकर विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला वार्षिक योजना और नई योजनाओं के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पशुधन योजना, कृत्रिम गर्भाधान, लिंग निर्धारण, चारा विकास, दवा उपलब्धता, टीकाकरण और वैक्सीन उपलब्धता, अस्पतालों की स्थिति, एकीकृत पोल्ट्री योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा केदार ने की। उन्होंने जिला वार्षिक योजना में प्रत्येक जिले के पशुपालन विभाग को दी जाने वाली राशि की जानकारी दी। उन्होंने नई योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक जिले में पशुपालन विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न पहलों के बारे में भी जानकारी हासिल की। हर हाल में बिजली के हर मीटर की रीडिंग 100% सटीक होनी चाहिए। गलत बिजली बिलों के कारण ग्राहकों को होने वाली परेशानी तथा महावितरण को राजस्व का नुकसान कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। मोटर की अचूक रीडिंग लेने में लापरवाही बरतने वाली मीटर रीडिंग एजेंसियों के खिलाफ राजस्व नुकसान की वजह से फौजदारी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ भी कदम उठाए जाएंगे। इस आशय की चेतावनी महावितरण के अध्यक्ष एवं सह प्रबंध संचालक विजय सिंघल ने दी है। वे महावितरण के मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंपनी के तमाम क्षेत्रीय प्रादेशिक संचालक, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता और उपविभागीय अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर महावितरण निदेशक संचालन संजय ताकसांडे, कार्यपालक निदेशक भुगतान एवं राजस्व योगेश गडकरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। महावितरण के फील्ड अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत करते हुए अध्यक्ष एवं सहप्रबंध निदेशक विजय सिंघल ने कहा कि ग्राहकों द्वारा उपयोग की जाने वाली इकाइयों के अनुसार बिजली बिल चार्ज करने की जिम्मेदारी महावितरण की है। इसके लिए फोटो मीटर रीडिंग के लिए अलग से मोबाइल ऐप भी बनाया गया है और रीडिंग लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। देश विदेश में अपने हास्य व्यंग कविताओं के लिए प्रख्यात कवि, साहित्यकार व प्राध्यापक मधु पांडेय के देवतले लेआउट स्थित निवास स्थान के समक्ष नागपुर महानगर पालिका की ओर से तथा धर्मपेट जोन के सभापति सुनील हिरणवार के सौजन्य से नाम फलक लगाया गया है। इस फलक का अनावरण महापौर दयाशंकर तिवारी के हस्ते किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रोफेसर अनिल सोले, खादी ग्रामोद्योग के राष्ट्रीय संचालक जयप्रकाश गुप्ता, धर्मपेट जोन के सभापति सुनील हिरणवार, नागपुर सुधार प्रन्यास के विश्वस्त संजय बंगाले, नगर सेवक अमर बागड़े, नगर सेविका वर्षा ठाकरे, डॉक्टर परिणीता फुके, रुचिका मसराम, वरिष्ठ कवि डॉक्टर सागर खादीवाला उपस्थित थे। साहित्य जगत ने मनपा के इस उपक्रम का अभिनंदन किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि उत्तर भारत में वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। ये संयोग है कि मनपा की ओर से सुनील हिरणवार के प्रयत्नों से मधु पांडे जी के घर के समक्ष नाम फलक लगाया गया है। मनपा ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर ऐसे बहुत से उपक्रम हाथ में लिए हैं, जिसमें नागपुर से स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वालों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के घरों के सामने नाम फलक लगाया जा रहा है। महिला कौशल्य विकास केंद्र का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सुप्त गुणों को विकसित कर उन्हें रोजगार क्षम बनाना है। ये विचार व्यक्त करते हुए पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय विकास, खेल और युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने कहा कि इससे महिलाओं का संग्रह उत्थान होकर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वे मोहपा नगर परिषद की महिला कौशल विकास केंद्र के नए भवन के लोकार्पण समारोह के अवसर पर भाषण दे रहे थे। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्षा शोभा कौतकर, उपाध्यक्ष पंजाब राव चापके, कलमेश्वर पंचायत समिति के अध्यक्ष श्रवण भिंगारे, उपाध्यक्ष जयश्री वागे, बाबा राव पाटिल, उज्ज्वला बंधारे, मनोहर कुंभारे, मुख्याधिकारी साधना पाटिल आदि मान्यवर उपस्थित थे।
केदार ने कहा कि महिलाओं को सावित्रीबाई फुले के विचारों को आत्मसात कर अपना विकास करना चाहिए। इसके लिए विचारों का आदान प्रदान महत्वपूर्ण है। मोहपा में आज किए गए विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन से परिसर का विकास होगा। शहर के शैक्षिक ग्राफ को बढ़ाने के लिए प्रधानाध्यापक को शहर में एक अध्ययन मंडल बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। महिला कौशल विकास केंद्र में विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित कर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बेहतरी लाने का प्रयास किया जाएगा। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।